बीते कुछ दशकों में हमने काफ़ी वायरस के आउटब्रेक देखे हैं, जैसे कि MERS, MERS, SARS, H1N1 इत्यादि। परंतु उन सभी केसेस में वैक्सीन को बनाने के लिए हमारे को काफ़ी समय लगा, जबकि 2020 के COVID-19 के पेंडेमिक में हमने वैक्सीन काफ़ी जल्दी ही बना ली। अगर आप देखें तो यह जनवरी 9 को सबसे पहले WHO ने अनाउंस किया कि एक वायरस डिस्कवर किया गया है, और विद इन 2 दिन ही चाइना ने उस वायरस यानी कि कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड रिलीज़ किया। उसके बाद अगले महीने फरवरी में मॉडर्ना नामक कंपनी ने अनाउंस किया कि उनके पास एक वैक्सीन का प्रोटोटाइप रेडी है। फिर उसके बाद अप्रैल में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका ने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिए अपनी वैक्सीन के, और जुलाई आते आते फाइजर बायोएनटेक ने बताया कि उनकी वैक्सीन ने काफ़ी अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया है। और यह सिलसिला चलता रहा, और दिसंबर आते आते यह सिचुएशन आई कि हमने वैक्सीन को बाकी आम जनता के लिए भी रोल आउट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे क्या कारण थे कि COVID-19 की वैक्सीन तो बहुत जल्दी बनी परंतु बाकी वैक्सीन्स बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगा। बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करें। पहला कारण तो यह है कि हमने पिछले आउटब्रेक्स से लेसन्स लर्न किए हैं। 2014 से 2016 में हुए इबोला वायरस के आउटब्रेक से हमने काफ़ी लेसन्स लर्न किए, और जो जेनर इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उसने तो एक लगभग से एक स्ट्रेटजी तैयार की कि जिसके अनुसार यदि कोई अननोन वायरस सरप्राइजिंगली हमारे बीच फैलता है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। तो उन्होंने कुछ हद तक अपना एक प्लान बनाना शुरू कर दिया था, और इनफैक्ट प्रोफेसर सैरा कैथरीन गिलबर्ट जो इसी जेनर इंस्टीट्यूट में काम करती हैं, उन्होंने बोला है कि वी वर प्लानिंग हाउ कैन वी गो रियली क्विकली टू हैव अ वैक्सीन इन समवन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। दूसरा कारण कि COVID-19 की वैक्सीन इतनी जल्दी बन सकी यह है कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया था। देखिए, जनरली क्या होता है कि यदि साइंटिस्ट किसी कैंडिडेट वैक्सीन को बनाते हैं तो उनके पास फंडिंग इतनी अधिक नहीं होती है, और अगर जितनी भी फंडिंग होती है उससे वह एक ही कैंडिडेट वैक्सीन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्राई आउट्स करते हैं। और यदि वह कैंडिडेट फेल होता है उसके बाद दोबारा वे साइंटिस्ट उसके लिए फंडिंग अरेंज करते हैं और फिर दूसरा कैंडिडेट को तैयार करते हैं या उसकी टेस्टिंग करते हैं। परंतु COVID-19 के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि COVID-19 के लिए बहुत ज़्यादा पैसा अवेलेबल था, तो इसलिए साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा कैंडिडेट वैक्सीन्स को एक साथ ही उस पर इन्वेस्टिगेशन या उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया, ताकि कोई भी उनमें से कैंडिडेट अगर सक्सेसफुल होता है तो उनको ओवरऑल सक्सेस मिल सकेगी। हम रीज़न नंबर 3 के बारे में चर्चा करें, उससे पहले यह जान लेते हैं कि वैक्सीन्स बनती कैसे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड देखें तो वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले वायरस को लिया जाता है, ग्रो करते हैं, और उसके बाद इस वायरस को बहुत ज़्यादा वीक बना देते हैं। ये वायरस इतना कमज़ोर हो जाता है ताकि जब यह वायरस को हम अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर डालते हैं तो यह वायरस लगभग हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो इसी तरीके के वायरस को कहते हैं लाइव अटेन्यूएटेड वायरस या होल इनएक्टिवेटेड वायरस। इन वायरसेस को जब ह्यूमन बॉडी में डालते हैं तो ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है और वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। यह जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो नेक्स्ट टाइम जब फुली रेडी या फुली पोटेंट वायरस ह्यूमन बॉडी पर अटैक करता है, तब यही एंटीबॉडीज जो पहले बन चुकी थी वो हमारा ह्यूमन बॉडी को उससे नए वायरस के अटैक से रक्षा करती हैं। तो यह तो है कन्वेंशनल मेथड जिसके अनुसार वायरस के लिए वैक्सीन्स बनाए जाते थे। परंतु अब हमारे पास कुछ नई टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इन टेक्नोलॉजीज से एक तो ये होता है कि वैक्सीन जल्दी बनती है, और दूसरा यह है कि रिस्क भी कम हो जाता है। इसमें टेक्निक्स हैं जैसे कि जेनेटिक वैक्सीन्स, वायरल वेक्टर वैक्सीन्स, प्रोटीन सब यूनिट या वायरस लाइक पार्टिकल्स। तो ये इस तरीके की नई टेक्नोलॉजीज हमें ऑलरेडी अवेलेबल थी COVID-19 की वैक्सीन बनाने के लिए, इसलिए उनको जब हमने बनाया तो कुछ हद तक हमें वैक्सीन जल्दी बन पाई। तो अब हम देखें जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका है, उनके पास ये नई तकनीक ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो उन्होंने क्या किया कि ये एक नया तरीके का वायरस बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने CHADOX1। यह वायरस उन्होंने बनाया, एक चिंपैंजी के अंदर वायरस होता है, चिंपैंजीज को यह वायरस इन्फेक्ट करता है परंतु ह्यूमंस को यह नहीं करता। तो उन्होंने यह वायरस लिया और इसको मॉडिफाई करके एक अपना वायरस बनाया CHADOX1। और इनफैक्ट जो कोरोना
का संक्रमण हुआ पूरे विश्व में, उससे पहले ही उन्होंने ये CHADOX बना रखा था और इनफैक्ट उसे तकरीबन 300 लोगों में ऑलरेडी एडमिनिस्टर करके देखा हुआ था कि उसका कोई रिएक्शन होता है या नहीं, और यह उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल था. सो दिस मटीरियल वॉज रेडी एंड दे कुड यूज इट फॉर डेवलपिंग COVID-19 का वैक्सीन. और जो चौथा कारण है जिससे कि COVID-19 की वैक्सीन काफ़ी जल्दी बनी, वो यह कारण था कि जो यह COVID-19 है वो होता है एक वायरस से जिसका नाम है SARS-CoV-2 वायरस, और SARS-CoV-2 वायरस बिलोंग करता है कोरोना वायरस की फैमिली से, और कोरोना वायरस की फैमिली ऐसी है कि जिसको ह्यूमन साइंटिस्ट ने काफ़ी हद तक स्टडी कर रखा था, तो उनको ऑलरेडी इस वायरस के बारे में काफ़ी जानकारी थी. और ये जानकारी इसलिए आई क्योंकि 2002 में सार्स का एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था, और इसी तरह 2012 में मर्स का एक आउटब्रेक हुआ था जो कि कोरोना वायरस से ही फैला था. तो इसका मतलब ये था कि COVID-19 से पहले ही साइंटिस्ट लोगों को यह पता था कि उसके अंदर कोरोना वायरस के अंदर स्पाइक्स होते हैं, और यह स्पाइक्स बने होते हैं एक प्रोटीन से जिसे कहते हैं एस प्रोटीन, और यदि यही एस प्रोटीन है जिसको इस्तेमाल करके वायरस अपने आप को ह्यूमन सेल से अटैच करता है और बाद में इसी प्रोटीन को यूज़ करते हुए उनको वो पेनिट्रेट करता है ह्यूमन सेल के अंदर. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ह्यूमन साइंटिस्ट को ये पता था कि इसी स्पाइक प्रोटीन को यदि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर डालें तो हमारे ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करेगा और एंटीबॉडीज जनरेट करेगा. तो यह जो हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी सार्स या मर्स आउटब्रेक से, वह काफ़ी लाभकारी थी COVID-19 के लिए वैक्सीन बनाने के लिए. अच्छा, तो बिफोर वी गो अहेड लेट्स सी कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन ओवरऑल प्रिंसिपल क्या है. तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका ने क्या किया कि जो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन होता है उसको लिया, या यूं कहिए उन्हें कोरोना वायरस से या तो आप ये प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे लैब में भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जनवरी 11 2020 को चाइना ने पूरा ब्लूप्रिंट या जेनेटिक मटेरियल जो कोरोना वायरस का था वो प्रिंट किया था और सबको अवेलेबल कराया था. तो उस इंफॉर्मेशन को लेकर आप उस ये एक प्रोटीन एस प्रोटीन आप ऑटोमेटिकली लेबॉरेटरी में बना सकते हैं. तो उन्होंने यह प्रोटीन बनाया और एडिनो वायरस को जो चिंपांजी से लिया जाता है उसको लिया और उसका डीएनए मटेरियल का कुछ पोर्शन काट कर उसके अंदर यह एस प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल डाल दिया. तो उसके बाद जो उन्हें एक मिला वो एक टेलर्ड किस्म का वायरस मिला जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर ऑलरेडी एस प्रोटीन अवेलेबल था. इसके बाद इस वायरस को लेकर उन्होंने ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया. जब यह वायरस ह्यूमन सेल में पहुंचा तो उसने साइटोप्लाज्म के एरिया में डीएनए रिलीज किया, फिर यह डीएनए धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर गया. न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए पहुंचा तो उसने आरएनए बनाया जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, और उस आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर भेजा. एंड ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस आरएनए में थी वो राइबोसोम नामक एक बॉडी होती है विद इन द सेल, तो उसके अंदर राइबोसोम ने उस आरएनए को पढ़ा और उसके बेसिस पर प्रोटीन्स बनाने शुरू कर दिए. और फिर जब यह प्रोटीन बनकर सेल से बाहर निकले तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम ने उनको देखा कि यह प्रोटीन जो है इसके अगेंस्ट उन्हें एंटीबॉडीज बनानी चाहिए, तो उन्होंने वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया. तो यह आप देखें जो ओवरऑल इन्होंने जो फिलॉसफी फॉलो किया वो काफ़ी जनरल है, परंतु इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की और जल्दी से इस नतीजे तक पहुँचे. अच्छा, एक बात और जो है ध्यान रखने की वो यह है कि जो ये डीएनए है जो कि इवेंचुअली ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाता है, एज पर द साइंटिस्ट एट एस्ट्राजेनिका जो है यह डीएनए डज नॉट गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ह्यूमन जीनोम, यानी कि यह जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया है ह्यूमन सेल के अंदर वो ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल से मिक्सअप नहीं होगा, और इसलिए इस प्रकार के प्रोसेस में या एडिनो वायरस से या टेलर जेनेटिक मटेरियल से या किसी भी और तरीके से इसको ह्यूमंस को इस प्रोसेस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डेंजर नहीं है, और ये फुली अच्छे तरीके से सेफ है. तो बात थी एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की. जो फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन है वो भी काफ़ी सिमिलर ही है, परंतु उसमें फ़र्क ये है कि जो उन्होंने आरएनए बनाया उसको उन्होंने किसी वायरस में नहीं डाला, उन्होंने यह आरएनए या एमआरएनए जिसे कहना चाहिए, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, उन्होंने यह एमआरएनए अपने लेबॉरेटरी में बनाया और उसको
उन्होंने लिपिड के नैनो पार्टिकल से एनकैप्सुलेट कर दिया। वो करने का कारण यह है कि अगर आप सीधा एमएनआरए ह्यूमन बॉडी के अंदर डालना चाहें या ह्यूमन सेल के अंदर डालना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया, उन्होंने उसको एक लिपिड नैनो पार्टिकल्स के साथ एनकैप्सुलेट किया और फिर उसको ह्यूमन सेल के अंदर डाला। और जब वह ह्यूमन सेल के अंदर पहुंचा तो ये एमएनआरएनए वॉज रेड बाय राइबोसोम, और इस इंस्ट्रक्शन जो कि एमआरएनए के अंदर थी उसके बेसिस पे राइबोसोम ने प्रोटीन बनाए, और फिर वही प्रोटीन जब सेल से बाहर निकले तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया। तो डिफरेंस जो है फाइजर बायो एन टेक वैक्सीन का और एस्ट्राजेनिका का यह है कि फाइजर बायो एन टेक ने लिपिड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया, जबकि एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड ने एडेनो वायरस का इस्तेमाल किया, और यही उन सबके बीच का मेन डिफरेंस है। तो अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये वैक्सीन बनाना इतना सिंपल ही है कि आप जरा सा जेनेटिक मटेरियल लें और उसको एडिनो वायरस में या नैनो लिपिड से एनकैप्सुलेट कर दें, तो ऐसा क्या कारण है कि एचआईवी और एड्स का टीका अभी तक क्यों नहीं बना है? तो उसका कारण यह है कि जो कोरोना वायरस है वो एक शॉर्ट टर्म तरीके का इन्फेक्शन ह्यूमंस में क्रिएट करता है, और ह्यूमंस जो है वो इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट अपने आप ही एंटीबॉडीज बना सकते हैं। परंतु जो एचआईवी वायरस है वो जो है वो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ह्यूमन बॉडी उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज नेचुरली नहीं बना सकती है। तो यही कारण है कि हमने कोविड 19 की वैक्सीन यानी कि टीका तो बना लिया है, परंतु एड्स या एचआईवी का अभी तक हमारे पास कोई भी टीका अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं पांचवा कारण कि जो कोविड 19 की वैक्सीन है वो इतनी जल्दी कैसे बनी। जो पांचवा कारण वो ये है कि जो हमने ये कोविड 19 वैक्सीन बनाई उसके पूरे प्रोसेस में काफ़ी एफिशिएंसीज हमने गेन की। एफिशिएंसीज जो ट्रायल करते समय या अप्रूवल लेते समय या इवन जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी उस समय काफ़ी सारी एफिशिएंसीज गेन की। तो ये तो आपको पता ही है कि जब कोई एक वैक्सीन आती है तो उसके ट्रायल होते हैं, उसके फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री ट्रायल होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि एक ट्रायल और दूसरे ट्रायल यानी कि फेज़ वन ऑफ ए ट्रायल एंड फेज़ टू और फेज़ टू एंड फेज़ थ्री में काफ़ी सारा टाइम गैप होता है। यह टाइम गैप जो होता है वो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि दोबारा फंडिंग लेना या फिर वॉलंटियर्स जो जिनके ऊपर ये वैक्सीन इस्तेमाल की जाएगी उनको अरेंज करना, या बीच में दोबारा से ग्रांट या पैसे लेने के लिए एप्लीकेशन लिखना, वो रिजेक्ट होती है तो दोबारा एप्लीकेशन लिखना। तो जो ये सारा टाइम गैप था ये काफ़ी सारा टाइम बीत जाता है बिटवीन फेज़ वन ऑफ ए ट्रायल एंड द फेज़ नेक्स्ट ऑफ ए ट्रायल। तो जब कोविड 19 की बारी आई तो यह सब जो टाइम गैप था वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो कर दिया गया, और एक्चुअली देयर यूज्ड टू बी बैक टू बैक फेज़ वन ट्रायल, फेज़ टू ट्रायल एंड फेज़ थ्री ट्रायल, क्योंकि जो भी फंडिंग थी वो ऑलरेडी अवेलेबल थी, अप्रूवल उनको ईजिली अवेलेबल थे। तो ये सारा टाइम जो होता था वो उन्होंने व्यर्थ नहीं किया, और एंड में जाके यही उनका टाइम सेविंग बना। इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें भी यही हुआ। जो डॉक्टर किस हैं इंपीरियल कॉलेज लंदन के, वो कहते हैं कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हैज़ आल्सो बीन कैरिड आउट इन पैरेलल विद द क्लिनिकल ट्रायल्स होपिंग दैट द ट्रायल्स विल बी सक्सेसफुल। तो जैसे ही वो ट्रायल करते रहते थे उसी समय मैन्युफैक्चरर जो है वैक्सीन बनाते रहते थे। तो यही रीज़न था कि जिस दिन वैक्सीन अप्रूव हुआ ऑलमोस्ट उसी दिन या विद इन 24 और 48 आवर्स ही वैक्सीन बिल्कुल मार्केट में आ गया और लोगों को या जनरल पब्लिक को अवेलेबल भी हो गया था। और इसी तरीके से यदि देखें तो सरकार ने या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने भी काफ़ी जल्दी से अप्रूवल दिया, और उसका कारण यह था कि जब ट्रायल्स हो रहे थे तो जिस तरीके से कंपनीज के पास डेटा आता गया उन्होंने वही अप्रूविंग अथॉरिटीज़ के पास डेटा एज इट इज़ भेजना शुरू कर दिया। तो बाय द टाइम जब पूरा ट्रायल ख़त्म हुआ तब तक अथॉरिटीज़ के पास भी पूरा डेटा था एंड दे कुड मेक अ गुड इन्फॉर्म डिसीजन, और इसीलिए उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी काफ़ी जल्दी रहा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल केसेस में होते तो आप पूरा ट्रायल या उसके पूरे फेजेस को ख़त्म होने का इंतज़ार करते, पूरा डेटा को कंसोलिडेट करते और फिर उसको सबमिट करते, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। आप जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कंटिन्यूसली अथॉरिटीज़ को भी लूप में रखे हुए थे और उनको डेटा देते रहे ताकि जब ट्रायल्स ख़त्म हुए तो पूरा इन्फॉर्मेशन था अथॉरिटीज़ के पास कि वो डिसीजन ले सकें कि इसको अप्रूव करना है या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे तरीके से there were a lot of efficiencies gained in trial approvals and even the manufacture of the vaccine.